हे गाइस, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी कांस्टेबल जीडी के न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हां दोस्तों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल जीडी के 39,481 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट indsarkarinaukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। एसएससी ने कांस्टेबल जीडी के 39,481 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आज हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। दोस्तों, इस बुक में 2024, 23, 21 व 19 के एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का व्याख्या सहित संकलन किया गया है। साथ ही साथ इस बुक में 750 बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल सहित आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। हमने भी इस बुक को चेकआउट किया है। यह बुक आपके लिए हर हाल में बेस्ट है और अन्य बुकों से। अगर आप एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने जा रहे हैं, चक्षु की एसएससी जीडी कांस्टेबल की मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीके की चैप्टर वाइज बुक भी आती है, जिसे लेकर आप अपनी तैयारी को और पक्का कर सकते हैं। तो करें अपनी एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 की तैयारी को पक्का चक्षु की इस बुक के साथ। इस बुक को डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे एसएससी कांस्टेबल जीडी की इस भर्ती के बारे में, यहां पर डेट्स की अगर बात करें तो कैंडिडेट अपने फॉर्म 5 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 तक फिल कर सकते हैं। फीस पेमेंट की लास्ट डेट 15 अक्टूबर 2024 रखी गई है। एग्जाम आपका यहां पर जो सीबीटी एग्जाम होगा वो जनवरी से फरवरी 2025 के बीच में होगा। 10वीं पास कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल रीड करने के बाद आपको अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहां पर एसएससी का ये ऑफिशियल पोर्टल खुल जाएगा। यहां पर आकर गाइड आपको इस वेबसाइट के टॉप पर ही लॉगिन और रजिस्टर ये टैब दी गई है। आपको इस टैब पर क्लिक करना है और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन करके अपना फॉर्म फिल कर लेना है। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है OTR का, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन एसएससी पे कंप्लीट नहीं कर रखा है, तो सबसे पहले यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके बाद आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। तो यहां पर आपको रजिस्टर नाउ का ये लिंक दिया गया है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में चार चीजें फॉलो करनी होंगी। सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी है और फिर डिक्लेयर करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। तो यहां पर आपको कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहां पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। सबसे पहले पूछा गया है कि क्या आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस करें और फिर उसका नंबर यहां पर एंटर करें। वही नंबर एक बार फिर से यहां पर एंटर करें और अपना आधार नंबर आप वेरीफाई कर लें। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आपको अपनी कोई और आइडेंटिफिकेशन यहां पर आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि यहां पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, जो भी आपके पास है यहां पर आप ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर उसका नंबर यहां पर एंटर कर दें। फिर यहां पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपना ये नाम अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। फिर आपको अपना नाम यहां पर वेरीफाई कर लेना है एक बार फिर से एंटर करके सेम नेम। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है, अगर किया है तो यहां पर आप यस ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहां पर चेंज नेम आप एंटर कर दें। और अगर आपने कभी अपना नाम चेंज नहीं किया है तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। तो इस तरह से यहां पर आपका ये फॉर्म पहले की ही तरह यहां पर भरा जाएगा, जैसे कि आपने एसएससी के रजिस्ट्रेशन टाइम
पे अपना फॉर्म फिल किया था रजिस्ट्रेशन करते हुए, बस यहां पर अब आपको इस नए पोर्टल पर दोबारा से इसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन का नाम दे दिया गया है। आपको अपनी डिटेल सेम ऐसे ही यहां पर प्रोवाइड करानी है। नाम के बाद आपको यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपना जेंडर वेरीफाई कर लेना है, यानी कि एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। फिर यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, वही डेट ऑफ बर्थ आपको एक बार फिर से इस कैलेंडर में से सिलेक्ट करके अपनी डेट ऑफ बर्थ को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर वही नाम आपको एक बार फिर से एंटर करना है अपने फादर का वेरिफिकेशन के लिए। ऐसे ही यहां पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है और फिर उसे भी यहां पर आपको वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है आपकी 10वीं क्लास की एजुकेशन बोर्ड के बारे में, आपने किस एजुकेशन बोर्ड से अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो यहां पर आप सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आप दोबारा से वही बोर्ड सिलेक्ट करके उसे यहां पर आप वेरीफाई कर लें। उसके बाद यहां पर आपको अपनी 10वीं क्लास का रोल नंबर एंटर कर देना है, फिर वही रोल नंबर आपको एक बार फिर से एंटर कर देना है वेरिफिकेशन के लिए। फिर आपको यहां पर अपना पासिंग ईयर सिलेक्ट करना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, वो ही पासिंग ईयर आपको एक बार फिर से सिलेक्ट करना है। यहां पर आपको सभी फील्ड्स की डिटेल दो बार सिलेक्ट करनी है या फिर एंटर करनी है वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद यहां पर आपको अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है। आपने 12वीं क्लास पास आउट कर रखी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पीएचडी, जो भी आपने यहां पर अपनी हायर क्वालिफिकेशन पास आउट कर रखी है वो यहां पर आप सिलेक्ट करें, एक बार फिर से सिलेक्ट करें। फिर यहां पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और ईमेल आईडी यहां पर एंटर करनी होगी। यहां पर जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एंटर करोगे तो आपके सामने यहां पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आपको सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहां पर एंटर करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। इसके बाद आपको यहां पर अपनी सभी डिटेल्स फिल आउट करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहां पर प्रोवाइड करा दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। तो यहां पर अब आपको कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और पासवर्ड एंटर करना है, वो पासवर्ड जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहां पर एंटर करना है और साइन इन की स्टेप पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको अपना नया पासवर्ड सेट करना है। गाइस यहाँ पर आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना ओल्ड पासवर्ड एंटर करना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर सबमिट किया गया था। वो पासवर्ड यहाँ पर एंटर करने के बाद आपको अपना नया पासवर्ड क्रिएट करना है। यहाँ पर आपका पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और ये पासवर्ड आपका अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहां पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना होगा जो आपने यहां पर न्यू पासवर्ड फील्ड में अपना पासवर्ड क्रिएट किया है। आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा, जैसे कि यहां पर आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ हैश या फिर डॉलर होना चाहिए और आपके पासवर्ड की लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए। तो यहां पर अपना पासवर्ड सेट करने के बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको एक सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग और उसका आंसर आपको यहां पर देना है। फिर आपको दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन यहां पर सिलेक्ट करना है, उसका आंसर यहां पर प्रोवाइड कराना है। इन आंसर्स को आपको, इन क्वेश्चन और आंसर्स को भी आपको नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। अगर आप फ्यूचर में अपना पासवर्ड भूल जाते हो तो यहां पर ये सिक्योरिटी क्वेश्चन एंटर करके आप अपना पासवर्ड गेट कर सकते हो। तो यहां पर दो सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद उनके आंसर आपको प्रोवाइड कराने हैं और फिर आपको यहां पर सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहां पर आपका पासवर्ड क्रिएशन का जो सेक्शन है ये कंप्लीट हो जाएगा और आपका पासवर्ड रिसेट हो जाएगा। अब यहां पर आपको दोबारा से अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है और नया पासवर्ड जो आपने अभी अभी क्रिएट किया है वो यहां पर आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपनी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करानी है। एडिशनल डिटेल में यहां पर आपको सबसे पहले अपनी
कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी वेरीफाई कर लेनी है, फिर आपको अपनी नेशनलिटी यहां पर सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद यहां पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। अगर आप अदर नेशनल हैं, अगर यानी कि आप इंडिया से बाहर के कैंडिडेट हैं, तो आपको यहां पर अपनी उसकी डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। और अगर आप इंडिया आपकी नेशनलिटी है फिर तो आपको यहां पर ये कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा, आपको कोई डिटेल यहां पर प्रोवाइड करानी नहीं है। उसके बाद यहां पर आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क, आपकी बॉडी पर कहीं कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहां पर आप एंटर कर दें, नहीं है तो यहां पर आप नो मार्क एंटर कर दें। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि PWBD कैंडिडेट हैं, अगर है तो यस करें और फिर यहां पर अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करें और अगर और उसके अपने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का नंबर एंटर कर दें। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं हो तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा, फिर आगे की फील्ड इससे रिलेटेड आपकी डिसेबल्ड कर दी जाएगी। उसके बाद यहां पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर कर देना है, उसके बाद आपको अपना स्टेट यहां पर सिलेक्ट कर लेना है, फिर यहां पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है और अपना पिन कोड यहां पर आपको एंटर कर देना है। उसके बाद यहां पर गाइज आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहां पर बस आपको इज परमानेंट एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में यस ऑप्शन को क्लिक करना होगा, ऑटोमेटिकली आपका प्रेजेंट एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको मैसेज शो कर दिया जाएगा आपकी एडिशनल डिटेल सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है, फिर आपको उस पॉपअप को कट कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, यहां पर आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन हो चुका है, आपको ये डिटेल्स केयरफुली रीड आउट करनी है और उसके बाद आई एग्री फॉर द अबाउट टर्म एंड कंडीशंस, आपको इन टर्म एंड कंडीशंस को रीड करके इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन का प्रीव्यू चेकआउट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू OTR ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रीव्यू यहां पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है और प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। प्रीव्यू चेक करने के बाद आपको डिक्लेयर ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इस तरह से यहां पर आपके सामने मैसेज शो हो जाएगा आपका डिक्लेरेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दिया गया है। अब यहां पर आपको इसे पॉपअप को कट कर देना है। अपना वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड में आ जाना है या फिर आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहां पर आपको कॉन्स्टेबल GD इन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स CAPFS SSF राइफल्समैन GD इन आसाम राइफल्स एंड सिपोई इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025 के सेक्शन में आना है। यहां पर आने के बाद आपको अप्लाई के लिंक पर क्लिक कर देना है, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से जनरल इंस्ट्रक्शंस ओपन हो जाएंगे, आपको इन्हें केयरफुली रीड आउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिल फॉर्म इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको आपकी पर्सनल डिटेल्स यहां पर शो कर दी जाएगी, आपने जो रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी यहां पर आपको इन्हें केयरफुली चेकआउट करना है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहां पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहां पर आपको अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करें जो भी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है। उसके बाद आपको यहां पर क्वालिफाइंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद यहां पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है किस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद यहां पर आपको अपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास या फिर ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट की है। उसके बाद यहां पर आपको अपना रोल नंबर एंटर कर देना है, फिर यहां पर आपको अपनी परसेंटेज देनी है, कितने परसेंटेज मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे। CGPA अगर है तो यहां पर आप CGPA एंटर कर दें। उसके बाद यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर इसकी डिटेल दें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लें। ऐसे ही आपसे पूछा गया है कि क्या आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल यहां पर सेलेक्ट करें यानी कि रिलेक्शन कोड सेलेक्ट करें, नहीं चाहते हैं तो यहां पर आपको नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया कि क्या आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को यहां पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर आपको ओके करना है। उसके बाद यहां पर आपको अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन का सेकंड पार्ट प्रोवाइड कराना है, यहां पर आपको अपना एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है, यहां पर आपको
तीन चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है, आपको तीन एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेने हैं, उसका मीडियम सेलेक्ट कर लेना है किस लैंग्वेज में आप अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, फिर यहाँ पर आपको अपने पेपर का मीडियम एक बार फिर से सिलेक्ट कर लेना है वेरिफिकेशन के लिए, फिर यहाँ पर आपको पूछा गया है कि मीडियम ऑफ टाइपिंग टेस्ट आप किस में चाहते हैं, जो यहाँ पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो आप किस लैंग्वेज में चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, आप ऑप्शन सेलेक्ट करें, एक बार फिर से ऑप्शन सेलेक्ट करके वेरीफाई कर ले। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWD यानी कि आप पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी आपकी 40% से अबव है, अगर है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर ये आपके रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग आपको ब्लैंक डिसेबल कर दी जाएंगे अगर आपने अपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे इन्हें नो सेलेक्ट कर रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली लिमिटेशंस हैं आपके अंतर्गत, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप स्क्राइब हैं, अगर यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको इसका आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा, और फिर यहाँ पर आपको सेव नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। गाइस यहां पर आपको अपना लाइव फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे, कैप्चर करने होंगे और उन्हें यहां पर अपलोड कर देना होगा। आपको यहां पर अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर यहां पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 10KB से 20KB के बीच में होने चाहिए, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में। तो यहां पर अब आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहां पर शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहां पर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको आई एग्री चेकबॉक्स को ओके करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर आपको सेव नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आपको प्रिंट एप्लीकेशन इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप अपने SSC GD कांस्टेबल की इस भर्ती के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।